हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अ पार्ट फर्स्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल डिस्कस व्हेन एनी जजमेंट बिकम्स रेलेवेंट. तो आज के हम लेक्चर में जजमेंट की रेलेवेंसी डिस्कस करने वाले हैं. तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इंट्रोडक्शन इज दैट द वर्ड जजमेंट इज अ वर्ड ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस एंड मीन्स ओनली जुडिशियल डिटर्मिनेशन और डिसीजन ऑफ द कोर्ट. सो द वर्ड जजमेंट इज नथिंग बट अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन और डिसीजन ऑफ अ कोर्ट. हम जजमेंट किसको कहेंगे? कोर्ट का कंक्लूजन, कोर्ट ने पास किया हुआ जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है, जो डिसीजन है, उसको जजमेंट कहा जाता है. जजमेंट इज द सेंटेंस ऑफ द लॉ और डिसीजन प्रोनाउंस बाय द कोर्ट अपॉन द मैटर कंटेंट इन द रिकॉर्ड. सो वेन एवर द कोर्ट कंक्लूड द मैटर, सपोज इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ द कोर्ट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड पर्सन और एक्विटेड द अक्यूज्ड पर्सन, और इन द सिविल प्रोसीडिंग इफ द कोर्ट प्रोनाउंस्ड अ डिसीजन, दैट इज कॉल्ड अ जजमेंट. तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर सजा सुनाता है कोर्ट या बाइज्जत बरी कर देता है, या सिविल कोर्ट में अपना डिसीजन सुनाता है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, उसी को हम जजमेंट कहते हैं. अ जजमेंट इज एन एडजुडिकेशन ऑफ मैटर इन डिस्प्यूट बाय कोर्ट. सपोज इफ द कोर्ट एडजुडिकेट द डिस्प्यूट, दैट इज कॉल्ड अ जजमेंट. कोर्ट जब कभी भी उसके सामने जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट को फाइनली रिजॉल्व करता है, उसको हम जजमेंट कहेंगे. अब देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ जजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ जजमेंट. जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोनम. दो टाइप्स है, जजमेंट इन रेम, जजमेंट इन पर्सोनम. अब यहां पर देखिए, पहला काइंड है जजमेंट इन रेम. तो जजमेंट इन रेम क्या है? जजमेंट अफेक्टिंग द लीगल स्टेटस ऑफ सम सब्जेक्ट मैटर्स, पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड जजमेंट इन रेम. सपोज इफ द जजमेंट, इफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अफेक्ट्स द पब्लिक एट लार्ज, तो दैट इज कॉल्ड जजमेंट इन रेम. सो द जजमेंट विच इज अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड, अगेंस्ट द जनरल पर्सन, इज कॉल्ड एज अ जजमेंट इन रेम. सो डिवोर्स कोर्ट जजमेंट इज अ जजमेंट इन रेम. जब कभी भी फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और अगर कोर्ट डिक्री ऑफ डिवोर्स पास करता है, डिवोर्स ग्रांट कर दिया कोर्ट ने, तो अभी डिक्री ऑफ डिवोर्स क्या है, जजमेंट ऑफ डिवोर्स क्या है? इट इज अ जजमेंट इन रेम. मतलब जब कभी भी आगे चल के कोई भी दोनों के मैरिज से लेकर डिस्प्यूट आएगा, डिवोर्स से रिलेटेड डिस्प्यूट आएगा, तो ये जो डिवोर्स कोर्ट ने दिए वाला है, दैट जजमेंट बिकम्स रिलीवेंट इन दैट पर्टिकुलर केस. तो किसी से भी आने दो, तो डिवोर्स जजमेंट क्या है? जजमेंट इन रम है. देन ग्रांट ऑफ प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन. ग्रांट ऑफ प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए सिचुएशन ऐसी है कि कभी कोई पर्सन विल लिख के अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसने विल लिखा और डेथ हो गई. अब विल में जिस पर्सन का नाम है, उसने विल बनाते हुए लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी ए और बी को जाएगी, फॉर एग्जाम्पल. अब सिचुएशन ये है कि ए और बी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. अब क्या होता है, विल एग्जीक्यूट करने के लिए सपोज कोर्ट में अगर हम गए तो कोर्ट क्या करता है, अटेस्टेट करता है और कोर्ट लीगल कैरेक्टर ग्रांट करता है. कोर्ट ये कहता है कि हाँ, ए और बी को ये प्रॉपर्टी दे दी जाए, लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड प्रोबेट. अब जब कभी भी कोर्ट ऐसा प्रोबेट जुरिस्डिक्शन में कोई ऑर्डर पास करता है, तो वो ऑर्डर क्या हो गया, वो ऑर्डर हो गया जजमेंट इन रेम. अब इसके बाद कभी भी कोई उस विल को लेकर डिस्प्यूट करेगा, तो वो जो प्रोबेट जजमेंट जो कोर्ट ने पास करे वाला है, दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस, एंड दैट्स व्हाई ग्रांट ऑफ प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन इज अ जजमेंट इन रेम. दूसरा है काइंड जजमेंट इन पर्सोनम. अब क्या है जजमेंट इन पर्सोनम? अ जजमेंट इन पर्सोनम डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज इन सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट. तो जजमेंट इन पर्सोनम क्या होता है, जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट है, दो पार्टीज के बीच में जो केस चल रहा है, उनके राइट्स का जब डिटर्मिनेशन होता है, उनके राइट्स को डिसाइड करता है कोर्ट, तो वो जजमेंट इन पर्सोनम कहलाता है. अ जजमेंट होल्डिंग दैट पिंटू इज नॉट द अडॉप्टेड सन ऑफ राम इज अ जजमेंट इन पर्सोनम. तो ये जो जजमेंट है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोर्ट के सामने ये डिस्प्यूट है कि पिंटू राम का अडॉप्टेड सन है या नहीं है,
और अगर कोर्ट ये कहता है कि नहीं पिंटू राम का अडॉप्टेड सन नहीं है, तो ये क्या है, ये किसको अफेक्ट कर रहा है, ये पार्टीज को अफेक्ट कर रहा है, और इसलिए क्या है, ये जजमेंट इन पर्सोनम है। दूसरा एग्जाम्पल, अ जजमेंट गिवन इन अ डिस्प्यूट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ जजमेंट इन पर्सोनम। दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट आता है और एक आधा पार्टी सूट फाइल करती है, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का, एंड इफ द मैटर इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, दैट पर्टिकुलर जजमेंट इज अ जजमेंट इन पर्सनम। तो कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है और कोर्ट अगर उसमें जजमेंट पास करेगा तो वो जजमेंट इन पर्सनम कहलाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दो स्पेसिफिक पार्टीज के बीच में होता है। ठीक है, तो ये जजमेंट इन पर्सनम और जजमेंट इन रेम हमने डिस्कस किया। अब सेक्शन 34 जो बीएसए का है वो जज रिलीवेंसी ऑफ जजमेंट से डील करता है। सेक्शन 34 क्या है, देखिए, प्रीवियस जजमेंट्स रिलीवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल, के प्रीवियस जजमेंट को हम क्या कर सकते हैं, रिलीवेंट ठहरा सकते हैं, किस लिए, सेकंड सूट को बार करने के लिए, सेकंड सूट को डिसमिस करने के लिए। देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ सूट और होल्डिंग अ ट्रायल इज अ रिलीवेंट फैक्ट। सो व्हेनेवर एनी जजमेंट, any decree, any order passed by the competent court prevents any other court for taking the cognizance of a suit or holding a trial, that judgment becomes relevant. एक आधा जजमेंट ऐसा है जो कोर्ट ने पास किए वाला है और वो जजमेंट के वजह से दूसरा केस बार हो रहा है, यानी कोर्ट दूसरा केस नहीं चला सकता, तो पहला जजमेंट रिलीवेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, दो पार्टीज के बीच में, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था, कोर्ट ने वो जजमेंट पास कर दिया, फिर वापस से ए और बी के बीच में वही केस चलेगा, तो जो पहला जजमेंट पास किया था वो यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा सेकंड सूट को बार करने के लिए। सेक्शन 34 परमिट्स एविडेंस ऑफ द प्रीवियस जजमेंट ऑर्डर और डिक्री बाय विच लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ सूट और होल्डिंग अ ट्रायल। सपोज मेरे और आपके बीच में कोई केस था और कोर्ट ने मेरे फेवर में केस डिसाइड कर दिया, मेरे पास जजमेंट है उसका, फिर आपने क्या किया, कुछ दिन के बाद वापस से आपने मेरे अगेंस्ट में केस कर दिया, सेम केस, तो मैं क्या कर सकता हूं, पहला जो जजमेंट है वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता हूं और वो पहला जजमेंट रिलीवेंट हो जाएगा, किस लिए, सेकंड सूट को डिसमिस करने के लिए। कोर्ट फिर सेकंड केस लेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक जजमेंट कोर्ट ने पास कर चुका है। तो द फर्स्ट जजमेंट बिकम्स रिलीवेंट टू बार सेकंड सूट, सेकंड सूट को बार करने के लिए पहला जजमेंट रिलीवेंट हो रहा है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन इज टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स एंड सेव द प्रीशियस टाइम ऑफ द कोर्ट। व्हाट एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 34? द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 34 इज टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स एंड टू सेव द प्रीशियस टाइम ऑफ द कोर्ट, के मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को अवॉइड करने का है। अदरवाइज क्या होता कि आज मैंने आपके अगेंस्ट में सूट फाइल किया, कोर्ट ने डिसाइड किया, फिर से वापस कुछ दिन के बाद मैं आपके अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहा हूं, ऐसा ही होगा। तो ये नहीं, इसको रोकने के लिए ऑलरेडी कोर्ट ने जब एक आधे पार्टीज के बीच में मैटर को सॉल्व कर दिया है, वापिस से वही मैटर कोर्ट नहीं सुनेगा, दोबारा अगर करोगे तो पहला जजमेंट के चलते हम दूसरे सूट को बार कर सकते हैं। तो कोर्ट का प्रीशियस टाइम बचाने के लिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस फाइल नहीं होना, इस ऑब्जेक्ट के साथ सेक्शन 34 आया है। इन सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 11 प्रोवाइड्स रूल ऑफ रेस जुडिकेटा, एंड इन सीआरपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इट इज प्रोवाइडेड दैट नो वन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। देखिए, सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद द रेस जुडिकेटा, और रेस जुडिकेटा क्या कहता है कि एक बार दो पार्टीज के बीच का डिस्प्यूट कोर्ट ने सॉल्व कर दिया, वही दो पार्टी दोबारा कोई केस कोर्ट में, उसी कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो प्रीवियस जजमेंट यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा सेकंड केस को बार करने के लिए, ये ध्यान में रखिए। सीआरपीसी में भी वही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही है कि सीआरपीसी भी यही कहता है कि अगर एक बार कोर्ट ने किसी अक्यूज्ड को एक्विट या कन्विक्ट कर दिया, दोबारा वही केस उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में नहीं चल सकती है, तो पहला जजमेंट यहां पर रिलीवेंट हो जा रहा है दूसरे केस को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल है, राम सूट श्याम फॉर द पोजिशन ऑफ हाउस, राम ने श्याम के अगेंस्ट में पोजिशन ऑफ हाउस का सूट फाइल किया, द सूट इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ श्याम हु इज हेल्ड टू बी द ओनर ऑफ इट, और कोर्ट ने क्या किया, श्याम के फेवर में केस डिसाइड कर दिया और कोर्ट ने कहा कि श्याम ही रियल ओनर है उस हाउस का। हुआ क्या था, राम ने श्याम के अगेंस्ट में सूट फाइल किया था, काय के लिए, पोजिशन ऑफ हाउस के लिए, लेकिन कोर्ट ने श्याम के फेवर में केस डिसाइड किया कि नहीं, रियल ओनर श्याम ही है।
अभी जजमेंट पास कर दिया कोर्ट ने, क्या हुआ 5 years लेटर राम अगेन फाइल सूट अगेंस्ट श्याम एलिजिंग टू बी द ओनर ऑफ दैट हाउस। 5 साल के बाद फिर से राम ने श्याम के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और वही उसका कहना था कि मैं रियल ओनर हूं हाउस का। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो शाम के पास जजमेंट था पुराना, शाम कंटेंट्स दैट ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी द कोर्ट कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द केस। अब दूसरे के जब केस फाइल हुआ तो शाम ने क्या कहा कि भाई सेक्शन 11 ये कहता है सीपीसी का कि एक बार कोई मैटर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया दोबारा वही मैटर उस कोर्ट में नहीं चलेगा और ये बार है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, द जजमेंट ऑफ द प्रीवियस केस इज एडमिसिबल, जो पुराने केस में जजमेंट दिया था तो वो एडमिसिबल हो जाएगा सेकंड केस को बार करने के लिए। जो सेकंड बार 5 साल के बाद जो दूसरा केस फाइल किया उसको कोर्ट डिसमिस कर देगा क्योंकि वो ऑलरेडी 5 साल पहले उस मैटर को डिसाइड कर चुका है। तो पुराना 5 साल पहले वाला जजमेंट सेकंड केस में रिलीवेंट हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखिए, रमेश लॉज्ड एफआईआर अगेंस्ट सुरेश फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। रमेश ने सुरेश के अगेंस्ट में चोरी के इल्जाम में एफआईआर रजिस्टर्ड किया। सुरेश इज ट्राइड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट इन एंड एक्विटेड। तो सुरेश के अगेंस्ट में केस चला और कोर्ट ने उसको एक्विटल दे दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। अब क्या हो गया, रमेश आफ्टर फ्यू मंथ्स इनिशिएट अ केस अगेंस्ट सुरेश ऑन द सेम फैक्ट। फिर से वापस कुछ महीने के बाद रमेश ने फिर से सुरेश के अगेंस्ट में सेम फैक्ट पे एक और केस इनिशिएट कर दिया। अब यहां पर क्या होगा, हियर सुरेश कैन प्रूव द जजमेंट ऑफ द प्रीवियस केस। अब यहां पर सुरेश क्या कर सकता है, जो पुराने केस में जो कोर्ट ने उसको एक्विटल दिया था वो जजमेंट यहां पर दाखिल कर सकता है सेकंड केस में और ये बोल सकता है कि ऑलरेडी मेरे अगेंस्ट में ये केस कर चुका था रमेश कुछ महीने पहले और कोर्ट ने मुझे उस केस में एक्विटल दे दिया है, तो जो पुराना जजमेंट था सेकंड केस में रिलीवेंट हो जाएगा और उसके बेस पे सेकंड केस क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 34 ये है। अब सेक्शन 35 क्या है देखिए, रेलिवेंसी ऑफ सर्टन जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्सेट्रा ज्यूरिसडिक्शन। अब कुछ ज्यूरिसडिक्शन बताए हुए कि जिसमें अगर कोर्ट जजमेंट पास करता है तो उसकी रेलिवेंसी क्या होगी। देखिए, फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी, इनसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, विच कन्फर्स अपॉन और टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर विच डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी इंटाइटल टू एनी सच कैरेक्टर। अब बात ध्यान में रखिए, कोई भी कोर्ट फाइनल जजमेंट डिक्री या ऑर्डर पास करता है कौन सा ज्यूरिसडिक्शन एंटरटेन करते हुए, एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन, प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन, मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन, इनसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन, और इस ज्यूरिसडिक्शन के चलते अगर कोर्ट किसी पर्सन पे कोई लीगल राइट कन्फर कर रहा है या उसका लीगल राइट टेक अवे कर रहा है तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, रेलिवेंट मानी जाएगी। वन बाय वन हम ज्यूरिसडिक्शन डिस्कस करते हैं, देखिए वो ज्यूरिसडिक्शन क्या है। फर्स्ट वन इज प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन। अ फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन। प्रोबेट मींस द कॉपी ऑफ विल सर्टिफाइड बाय द कोर्ट विद ग्रांट ऑफ स्टेट टू द टेस्टेटर। When probate is granted, it establishes conclusive the legal character of the persons to whom it is granted. अब probate jurisdiction क्या है? जब कभी भी कोई person अगर will लिखता है, ना उस situation में जब वो will लिखेगा, तो will को execute करेगा court. मतलब हमको court में जाना पड़ेगा will लेकर और will को attested करता है court. Court के पास probate jurisdiction होता है. Court क्या करेगा? Will को attested करेगा और बोलेगा कि ठीक है ये will में जो A और B का नाम है ये प्रॉपर्टी उनको जाती है, लाइक दैट। अभी अटेस्टेशन हो गया तो ये जो डिक्री पास किया या ऑर्डर पास किया कोर्ट ने कि हां ये विल के हिसाब से प्रॉपर्टी इनको जाएगी, तो ये प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट क्या कर रहा है, ऑर्डर पास कर रहा है। अभी सिचुएशन में क्या होगा कि जिस किसी को भी वो प्रोबेट में प्रॉपर्टी गई वो कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा कि वो उनको प्रॉपर्टी है। अब आगे चल के फॉर एग्जाम्पल कोई भी उस विल को लेकर अगर डिस्प्यूट होता है तो ऑलरेडी जो प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन में जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया वो ऑर्डर रिलीवेंट हो जाएगा यहां पर, ये प्रूफ करने के लिए कि वो केस उसके अगेंस्ट में नहीं होगा। कोई भी चैलेंज करेगा जजमेंट बिकम्स रिलीवेंट टू डिस्कार्ड दैट चैलेंज। वो चैलेंज को डिस्कार्ड करने के लिए जो प्रीवियस ऑर्डर है प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन में पास किए हुआ ऑर्डर दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर दिस पर्टिकुलर केस। दूसरा है अ फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, अ जजमेंट ऑफ मैट्रिमोनियल कोर्ट डिक्रीइंग डिवोर्स और नलिटी ऑफ मैरिज इज अ जजमेंट इन रम। तो जब कभी भी मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई कोर्ट
मैट्रिमोनियल रेमेडी पास करता है. फॉर एग्जाम्पल फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट ने क्या किया कि दो पर्सन के बीच में डिस्प्यूट था, मैरिज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आ गया और उसमें कोर्ट ने डिवोर्स डिक्री पास कर दिया, कोर्ट ने डिवोर्स अलाउ कर दिया, या एक आधे मैरिज को कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिसाइड किया, तो सिचुएशन में व्हाट एवर द जजमेंट पास्ड बाय द कोर्ट रिगार्डिंग द डिवोर्स और नलिटी ऑफ मैरिज दैट विल बी अ जजमेंट इन रम, वो जजमेंट अवेलेबल अगेंस्ट द सोसाइटी होगा. तो जब कभी भी ऐसा जजमेंट पास होगा वो जजमेंट किसी और केस में रिलीवेंट हो जाएगा. तो दोबारा वो केस से रिलेटेड जो भी चीज आएगी वो रिलीवेंट होगी. एंड इज कंक्लूसिव प्रूफ अपॉन ऑल पर्संस दैट द पार्टीज हैव बीन डिवोर्स एंड दे आर नो लॉन्गर हस्बैंड एंड वाइफ. अब जब कभी भी आगे चल के क्वेश्चन आएगा वेदर दीज टू पर्सन आर हस्बैंड एंड वाइफ और नॉट, तो ये जजमेंट प्रूफ कर देगा. ऑलरेडी डिवोर्स हो गया, वो जजमेंट बताएंगे जिसके चलते ये प्रूफ हो जाएगा कि वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है. तो ये जजमेंट है, दैट जजमेंट बिकम्स रिलीवेंट. जहां पर भी क्वेश्चन आएगा आगे चल के कि हस्बैंड एंड वाइफ है कि नहीं है, तो ये जजमेंट उसका कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा कि वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है. ये प्रूफ करने के लिए कि वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, वो जजमेंट जो नलिटी ऑफ मैरिज है या डिवोर्स हो गया है, वो जजमेंट यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा. तो मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन में पास किया हुआ जजमेंट रिलीवेंट है. और है अ फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिग्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन एक्सरसाइज ऑफ एडमिरालिटी ज्यूरिसडिक्शन. एडमिरालिटी ज्यूरिसडिक्शन क्या है? एडमिरालिटी एक्शंस आर ब्रॉट नॉट अगेंस्ट अ पर्सन बट अगेंस्ट अ शिप और कार्गो ऑफ अ शिप. एडमिरालिटी ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है? एडमिरालिटी एक्शन किसी पर्सन के अगेंस्ट में नहीं होती है, बल्कि वो शिप के अगेंस्ट में होती है या कार्गो के अगेंस्ट में होती है. द फैक्ट whether a particular ship was neutral or cargo was contraband is decided by the court is conclusive proof against the whole world. अब कभी भी अगर for example court decide कर रहा है कि ship जो है वो ship neutral थी या out of course थी, अब इसको अगर court decide करेगा तो वो judgment against the whole world relevant हो जाएगा ये proof करने के लिए कि वो neutral थी. For example court के सामने dispute है कि वो ship neutral थी या आउट ऑफ कोर्स थी, और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि वो न्यूट्रल थी, तो वो जजमेंट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड रिलीवेंट हो जाएगा ये प्रूफ करने के लिए कि वो शिप न्यूट्रल थी. दूसरी बात, एक आधा शिप एक आधा गुड्स को कैरी कर रही है, कार्गो को लेकर जा रही है, वो कार्गो जो लेकर जा रही है शिप वो प्रोहिबिटेड है या नहीं है? अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि वो प्रोहिबिटेड नहीं है, वो लीगल है, तो वो जजमेंट हर जगह पर रिलीवेंट होगा ये प्रूफ करने के लिए कि वो लीगल है. तो एडमिरालिटी ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई कोर्ट जजमेंट पास करता है तो वो जजमेंट भी यहां पर रिलीवेंट रहेगा सेक्शन 35 में. इनसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन में अगर जजमेंट पास कर रहा है कोई कोर्ट, इनसॉल्वेंसी मींस द स्टेट ऑफ द वन हुज असेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे हिज डेट्स. इनसॉल्वेंट कब? व्हेन पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड एज अ इनसॉल्वेंट इफ द पर्सन इज हैविंग अ लेस असेट्स एंड द लायबिलिटी इज मोर. अगर पर्सन के लायबिलिटी असेट से ज्यादा है तो दैट पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड एज एन इनसॉल्वेंट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट. अब बात ध्यान में रखी, अ जजमेंट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट एडजुडिकेटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन इनसॉल्वेंट इज अ जजमेंट इन रम एंड देयरफॉर कंक्लूसिव प्रूफ अगेंस्ट ऑल. सो सपोज इफ एनी पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ इनसॉल्वेंट बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, देन दैट इनसॉल्वेंसी मे बी द कंक्लूसिव प्रूफ अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड बिकॉज इट इज अ जजमेंट इन रम. तो एक आधे पर्सन को अगर कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है तो कोई भी किसी के भी जब कभी भी डिस्प्यूट आएगा कि ये पर्सन सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है, तो उसकी इंसॉल्वेंसी प्रूफ करने के लिए वो जजमेंट रिलीवेंट हो जाएगा क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर चुका है. तो जहां पर भी क्वेश्चन आएगा कि पर्सन सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है, तो वो जो जजमेंट जो कोर्ट ने पास किया था उसको इंसॉल्वेंट बताकर वो जजमेंट रिलीवेंट हो जाएगा. क्या प्रूफ करने के लिए? कि वो इंसॉल्वेंट है. तो ये भी इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन है, बात ध्यान में रखिए. अब सब क्लॉज टू क्या कहता है देखिए सेक्शन 35 का. सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज अ कंक्लूसिव प्रूफ. वो सच जजमेंट और ऑर्डर क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ है. किस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ है? एनी लीगल कैरेक्टर विच इट कन्फर्स एक्रूड एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री केम इनटू ऑपरेशन. के जब कोर्ट ने जो डिक्री पास किया, जो जजमेंट पास किया, और वो जजमेंट के चलते कोर्ट ने ग्रांट किया उसको कैरेक्टर, कोर्ट ने कहा कि हाँ ये सॉल्वेंट है तो वो सॉल्वेंट ही माना जाएगा, कोर्ट ने कहा वो इंसॉल्वेंट है तो वो इंसॉल्वेंसी का कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा, कोर्ट ने कहा कि ये विल में जो नाम बताया गया ये वही पर्सन है तो वही माना जाएगा. समझ रहे हो? अगर कोर्ट ने बोला कि शिप ऑन द कोर्स थी तो ऑन द कोर्स ही थी, कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा उसका.
ये एक चीज है, बात ध्यान में रखिए। दूसरा, एनी लीगल कैरेक्टर टू विच इट डिक्लेयर्स एनी सच पर्सन टू बी इंटाइटल एक्रूड टू दैट पर्सन एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री डिक्लेयर्स इट टू हैव एक्रूड टू दैट पर्सन। एखादा पर्सन के जो एनी लीगल कैरेक्टर टू विच इट डिक्लेयर्स एनी सच पर्सन टू बी इंटाइटल, एखादा कोर्ट ये कहता है कि ये पर्सन को ये लीगल कैरेक्टर इंटाइटल करता है, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। कोर्ट ने कहा ना कि ये पर्सन ये लीगल कैरेक्टर इंटाइटल करता है, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा, मतलब माना जाएगा उसके ये लीगल कैरेक्टर उसका है या नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए और कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है कि ये पर्सन का ये लीगल कैरेक्टर है, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा और कोई दूसरा एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए तीसरी चीज है, एनी लीगल कैरेक्टर विच टेक्स अवे फ्रॉम एनी सच पर्सन सीज्ड एट द टाइम फ्रॉम विच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री डिक्लेयर दैट इट हैड सीज्ड और शुड सीज। कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन का कोई लीगल कैरेक्टर है और वो लीगल कैरेक्टर कोर्ट ने टेक अवे किया है। कोर्ट ने कहा कि अभी तक इसका लीगल कैरेक्टर था लेकिन ये डेट से इसका लीगल कैरेक्टर नहीं है, तो कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि लीगल कैरेक्टर नहीं है तो वो लीगल कैरेक्टर नहीं है, इसका कंक्लूसिव प्रूफ है वो जजमेंट, जिस जजमेंट के जरिए कोर्ट ने ये कहा है कि उसका लीगल कैरेक्टर नहीं है, सीज टू हैव सच लीगल कैरेक्टर। एनीथिंग टू विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी सो इंटाइटल वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन एट द टाइम फॉर विच सच जजमेंट ऑर्डर डिक्ली डिक्लेयर्स दैट इट हैड बीन और शुड बी हिज प्रॉपर्टी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक जजमेंट के जरिए कोर्ट ने यह कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है ये पर्सन की प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने ऑलरेडी पास कर दिया कि ये पर्सन की वो प्रॉपर्टी है, तो उसी पर्सन की प्रॉपर्टी वो है इसका कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा। कोर्ट ने ऑलरेडी, मैंने कोर्ट के सामने सूट फाइल किया था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने जजमेंट पास करा कि हाँ वो मेरी ही प्रॉपर्टी है, तो अब जब कभी भी आगे चल के कोई डिस्प्यूट होगा तो वो कोर्ट का जजमेंट वो मेरी प्रॉपर्टी है इसका कंक्लूसिव प्रूफ होगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं सेक्शन 35 में जो हमने डिस्कस किया, तो सेक्शन 34 और सेक्शन 35 हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।